ओबेसिटी ये ऐसा प्रॉब्लम है ना, इसमें वेट तो बढ़ता ही बढ़ता है। अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो वेट बढ़ेगा ही। इसको इसकी तरफ आपको पहले ध्यान देना चाहिए था। अब ये 2-3 साल से बच्चे को प्रॉब्लम शुरू था, तो पहले आपको मेडिसिन कर लेनी चाहिए थी ना। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है, अभी भी उसको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अभी पीरियड्स रेगुलर के साथ वेट लॉस की भी ट्रीटमेंट आपको साथ में मैं करवा देती हूँ। ये ड्राई रफ स्किन हो गई है, बाल झड़ गए हैं कम्प्लीटली, तो हेयर ट्रीटमेंट भी हम साथ में ही कर सकते हैं। हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट साथ में कर देंगे और पीरियड्स का भी रेगुलर हो जाएगा। हॉर्मोन्स भी विद इन 1 to 3 months में नॉर्मल हो जाएंगे। अगर पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं तो 2-3 महीने में हम दवाई बंद भी कर सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा बच्चों को हम दवाई नहीं देते हैं, फिर तो इसको रेगुलर पीरियड्स आ जाएंगे और बार बार अगली बार तो ऑलमोस्ट दवाई नहीं देनी पड़ती है। तो हम हार्मोन्स के केमिकल्स की दवाई या इंजेक्शन से बच्चों से एकदम दूर रखिए और सिंपल हर्बल मेडिसिन लीजिए आप।